के लिए कोई स्थान नहीं था। अब तो रविदास की चतुराई से, रविदास के शील स्वभाव और चमकते हुए तेज को देख करके वो गुरु ब्राह्मण प्रभावित हो गए। और तो क्या कह रहे हैं रविदास के पिता राहु से, आइए सुनते हैं। यो चातर बालक थारा से घनायकल बंद और स्याणा, मकतब में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना। चातर बालक थारा से घना अकल बंद और स्याणा, मकतब में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना। और शर्त माननी पड़े हमारी, हमारा कहना शर्त अगर मंजूर तमें सोच के उतर देना, सोच के उतर देना। जात पात और छुआ छूत मेरे, जात पात और छुआ छूत में भैरा आज जमाना, में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना। चातर बालक थारा से धना अकल मंद और स्याणा, मकतब में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना। बालक थारा कान खोल के सुन लो रहू कहना साफ हमारा, कहना साफ हमारा। अगर शर्त मंजूर तमेरे, अगर शर्त मंजूर तमे मकतब में इसे बठाना, मकतब में मिल जाए दाखिला होगी जहाना। चातर बालक थारा से घना अकल मंद और स्याणा, सप्तम में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना। इस मकतब में हक से, इस मकतब में हक से। शूद्र जात के बच्चों ने रे, शूद्र जात के बच्चा ने यहाँ मिलता नहीं ठिकाना, मकतब में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना। चातर बालक थारा से घना अकल मंद और स्याणा, मकतब में मिल जाए दाखिला पूरी होगी जहाना।
ना बढ़ पाया, आगे ना बढ़ पाया। ऋषिपाल का के नामी, ऋषिपाल का के नामी हो गया से ग्राम खदाना। मकतब में मिल जाए दाखिला, पूरी होगी चाहना। जातर बालक थारा से घना, अकलमंद और सियाना। मकतब में मिल जाए दाखिला, पूरी होगी चाहना। हार मान पंडित चले, नशा क्रोध हनुमान। विजय भई रविदास की, धन्य श्रेष्ठ है ज्ञान। शील दया श्रद्धा सुमत, राखत पूर्ण विवेक। व्यर्थ कल्पना त्याग कर, सब में देखे एक। अब तो पढ़ाई शुरू हो गई है, और पढ़ते पढ़ते विद्वता की ओर, ज्ञान की ओर रविदास पढ़ रहे हैं। सात मास में दैवस उबज शिशु को ज्ञान, चीन लेत सत जन्म के निज कृत कर्म प्रधान। अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, और पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई के समय भी भजन पूजा पाठ रविदास से छूटे नहीं। होते होते वो समय आ गया, क्योंकि सूत्र के घर में जन्मे थे, इसलिए कारोबार चमड़े का था, चमड़े का काम करते थे, और उनकी तपस्या उस शिखर पर पहुंच गई है कि जो चाहते थे वो होता था। अघोरी के नाम से भी उन्हें जाना गया, क्योंकि घोर तपस्या की थी, और वहां विद्वान संत के नाम से उन्हें लोग जानने लगे। एक ब्राह्मण ने उनका नाम सुना था, जो बहुत गरीब था, रोटी के लिए मोहताज था। नाम सुनते सुनते वो ये भी सोच रहे हैं कि गंगा भी ढहा के आएंगे और रविदास जी से भी भेंट करके आएंगे। रविदास जी के सामने से गुजर रहे हैं और कुछ देर के लिए खड़े हो गए हैं। रविदास ने जब उनको देखा तो आवाज देते वो किस तरह से दोनों सवाल जवाब हो रहे हैं। आज अलख सवेरी हे ब्राह्मण, सकित जामन का काम तेरा। मैं तो गंगा नहावण जा रहा सूं, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। अलख सवेरी है ब्राह्मण, से कित जामन कर काम तेरा। मैं गंगा नहावण जा रहा सूं, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। और तुम्हारे चेहरे मोहरे से ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण हो। लेकिन गंगा तो ये थोड़ी मालदार आदमी थोड़े नहाया करते हैं, गरीब भी नहाते हैं और मालदार भी नहाते हैं। गंगा तो ऐसा नहीं है। हे ब्राह्मण मेरी भी ओर से मन शीश झुका देना, और कहूं के गुरुदेव सब खोल मन समझा देना। यो कौड़ी पाँच मेरी ले जाके मन भेष चढ़ा देना। केड़े पै गेरू या भीतर यो भी मन ने बता देना। फेंक दियो मत ना जल में हो, गलत कटी अंजाम तेरा। मैं तो गंगा नावण जा रहा सूं, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। तुम अपनी इस गरीबी को क्यों छुपाना चाहते हो? और हम समझ गए हैं, हमें इतना आत्मिक ज्ञान है कि तुम गरीब हो, तुम्हारा भला करने के लिए कुछ सोच रहे हो। छिपाओ मत, झूठ मत बोलो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो। अच्छा, और एक कहे
भेला भेजी भेट संत ने संगे मा स्वीकार करो, जो चाहोगे वह करूंगा मत ना सोच विचार करो। हाथ जोड़ के कहना रे मैया निर्धन का उद्धार करो, आगे मने के करना से धर्म गुरु जी बार करो। करिए ध्यान दूर कर दूंगा बिल्कुल भ्रम तमाम तेरा, मैं गंगा नावण जा रहा हूं गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। ये मैं पांच कौड़ी तुम्हें दे रहा हूं ब्राह्मण, और इनका चमत्कार देखना, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये कौड़ी कहां गिरी है? गंगा जी में, और माँ गंगे हाथ बढ़ा के ले लेगी इनको। अच्छा, और बताइए कुछ। बहते जल में माँ गंगा जी, बहते जल में माँ गंगा जी बाहर हाथ बढ़ावेगी। हो मेरा सौभाग्य मात दो मन ने दर्श दिखावेगी। मेरी भेंट श्री गंगे अपने ही हाथ पावेगी। अगर होया ऐसा जग में ते अमर मिसाल बनावेगी। भक्ति में शक्ति होती, एक भक्ति में शक्ति होती हो, भेद खुल सरे आम मेरा। गंगा नावन जा रहा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। अलख सवेरी है ब्राह्मण से कित जामन कर काम तेरा। गंगा नावन जा रहा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। देखना और मुझे जवाब भी देना है, गंगे माँ मेरी भेंट के बदले में कुछ ना कुछ तुझे उपहार देगी। अच्छा, और उस उपहार को लेकर के मेरी बिटिया का ना तुझे जवाब देना है। जरूर आऊंगा, घटना का सारा हाल बताना है। अगर मात कोई चीज तने दे श्रद्धा करके रल्याणी है, हाथ जोड़ के ले लूंगा भला इसमें के परेशानी है। एक हेरा फेरी मत करना ला मन ने यो पकड़ानी है। दुखी तू दू सौंप तमें कोना दिल में बेईमानी है। सैरो सिंहारे राम वैसला खुशक बड़ोली धाम तेरा। गंगा नावन जा रहा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। अलख सवेरी है ब्राह्मण से कित जावण का काम तेरा। गंगा नावन जा रहा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। पंडित से कहे कई बचन कौड़ी दई गहाय। अब तो गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए हैं वो ब्राह्मण जो निर्धन कंगाल थे, और गंगा में कौड़ी को प्रवाह करना चाहते हैं। पंडित से कहे कई बचन कौड़ी दई गहाय, ये चौगानी विप्रवर दीजो गंग चढ़ाए। प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ में कौड़ी है बहाना चाह रही है, इंतजार कर रहे गंगे का। आत्मा शुद्ध करने वाली, मन ध्यान को शुद्ध करने वाली हे गंगे मां, हे भागीरथी, मेरे उस गुरु की विधि भेद को स्वीकार करो। इस ब्राह्मण का थोड़ा सा मान रखो किस तरह से। करता हूँ तुम्हारी विनती मतवार करो माँ, गुरु रविदास की भेंट आज स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। सुन हे माँ गंगे, सुन हे माँ गंगे, करता हूँ तुम्हारी विनती मत
पटवार करो माँ, गुरु रविदास की भेंट आज स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। सुन हे माँ गंगे मेरी, ओ माँ गंगे मनाता हूँ। हफ्ते में एक बार मात तेरे जल में नहाता हूँ। श्रद्धा भाव के साथ मात में तमें मनाता हूँ। हफ्ते में एक बार मात तेरे जल में नहाता हूँ। शीश झुकाता नैया मेरी पार करो माँ, आज स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ मेरी, ओ माँ गंगे सुन हे माँ गंगे। वेद शास्त्र माता तेरी महिमा गाते हैं, ऋषि मुनि सन्यासी तेरा ध्यान लगाते हैं, वेद शास्त्र माता तेरी महिमा गाते हैं। हरितन धात देव मेरा उद्धार करो माँ, गुरु रविदास की भेंट आज स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। सुन हे माँ गंगे मेरी, ओ माँ गंगे। भेंट स्वीकार आज मेरी,
हे गंगे माई। गुरु रविदास ने आज भेंट करी खातर भजवाई, करो भेंट स्वीकारे आज मेरी हे गंगे माई। हरे राम की कविता में निखार करो माँ, गुरु रविदास की बेटी आज स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। करता हूँ तुम्हारी विनती मतवार करो माँ, गुरु रविदास की बेटी आज स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। सुन हे माँ गंगे गंगे। प्रेमी भक्तों, भगत है तू प्रकट व्रत गंगा कला पार, ली चौगानी रविदास की गंगा भुजा पसार। अब तो गंगे माने स्वयं अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके और मुट्ठी खोलकर एक हाथ से रविदास की पांच कौड़ियों की भेंट स्वीकार करी और एक हाथ से उनके बदले सोने जवाहरात का कंगन जड़ा हुआ ब्राह्मण को सौंप दिया। सज्जन साहबानों, अब उस ब्राह्मण के दिल में बदी आ गई है। उसने सोचा कि ये सोने जवाहरात का जड़ा हुआ कंगन अगर रविदास को दे दिया गया तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुझे गरीबी दूर करनी है तो इस नगरी के राजा के पास क्यों ना चला जाए, और इसके बदले तुझे कुछ ना कुछ वो धन देगा। लोभी ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, राजा के दरबार में पहुंच गया और वो कंगन रानी को उपलब्ध हो गया है। अब रानी फूली नहीं समाई, कैसी अजीब चीज, ऐसा अजीब कंगन मैंने कभी नहीं देखा। सजनों, सोचती है कि इसका जोड़ा और होना चाहिए जो दोनों हाथों में हो। अब तो राजा आ गए हैं और राजा बूझ रहे हैं महारानी कैसे चेहरा उदास है। महारानी कहिए महाराज। महारानी दे बता आज तेरा क्यों चेहरा मुरझाया, के बुझो महाराज याद से धनी रंज में काला। महारानी दे बताया आज तेरा क्यों चेहरा मुरझाया, के बुझो महाराज याद से धनी रंज में काला। क्या रंग जो गम हो गया है, बस आप पूछिए ना महाराज मेरे दिल के दिल में रह लिए। अच्छा हाँ। फूल की तरिया खिला कर थी चेहरे की लाली झड़गी, सीने के मकस कैसे इसी चोट कसूती पड़गी। हुक्म अदूल करी किसे ने, हुक्म अदूल करी किसे या तेरी माता जी लड़गी। घर में ना तकरार हुई एक बात जिगर में बढ़गी, बात पेट की खोली ये गोरी क्यों कर भेद लुकाया। ना सोती में गात पिया जब तै घर ब्राह्मण आया। क्या ओली सोली कह गया है? ओली सोली कुछ नहीं की, वो तो बहुत जोर की चीज दे गया है, उसी का तो जोर बढ़ाना है। कौन कड़े का ब्राह्मण था, कौन कड़े का ब्राह्मण था जो धरा हमारे आ गया। ए
सोत जवाहरात का जड़ा हुआ कंगन मन ने पकड़ा गया। ईसा कौन सा वा कंगन जो तेरे मन ने भाग्या। जोरी को उस कंगन ने बैठ के रब बना गया। जिस कंगन की हेरी री 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 जिस कंगन की तू बात करे तने इबला नहीं दिखाया। लो देखो महाराज यो कंगन मेरे मन में भाया। बेश कीमती कंगन यो बेश कीमती कंगन यो जगते न्यारा लागे से। हार न लछाते तेरे साजन यो प्यारा लागे से। हीरे मोती पन्नों का किसा चमकारा लागे से। इसका जोड़ा मिलवा दो दिन सिमहारा लागे से। जितना लगे से माल खजाने हेरी री 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 माल खजाने भरे पड़े भारी भारे धन माया। अपने प्राण गवाऊंगी तो जोड़ा न मिल पाया। सुन ले कहिए इकर करे मत महारानी ब्राह्मण ने भी बुलाऊं। एक हाथ में पहर के कंगन दिया मैं शरमाऊं। इश्क जिसा ही कंगन रानी दूजा मैं मंगवाऊं। इतने कंगन ना आवे मैं पीऊं और ना खाऊं। संत कयो हरे राम वैसले किस्सा अजब बनाया। ऋषि पाल को सुंदर ने मिल सोनो टेक में गाया। प्यारे भक्तो राजा ने सोचा कि जो ब्राह्मण इसे देखे गया है आखिर वो कहीं ना कहीं से इसे लेकर आया हूं उससे इस बात का पता लगाना चाहिए। दरबारियों को भेजकर ब्राह्मण को अपने दरबार में बुला लिया और कहने लगे हे ब्राह्मण कहिए राजन ये जो तुमने हमारी इस नगर की महारानी को बहुत खूबसूरत सोने जवाहरात का जड़ा हुआ कंगन दिया है क्या इसका पता बताओ। मैं सारी बात बताऊंगा महाराज। कहां से लाए हो किसने दिया है सारी बताओगे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है बताओ। कणेते याया यो कंगन में यो है बूझना चाहूं सू। गंगे मान दिया मने राजन सच बताऊं सू। कणेत याया यो कंगन में तो यो है बूझना चाहूं सू। गंगे मान दिया मने राजन सच बताऊं सू। सही कह रहा हूं। घना कीमती कंगन से लागे से मन रे चोरी का। अरे डाकू चोर नहीं सू मैं राजन घर कम चोरी का। हीरे मोती जड़े लाग रहा किसे भूख की रगोरी का। मन भेंट में मिला किसे की गोरी का न चोरी का। मन भेंट
छोरी का और तू मामूली हेरा रा 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 तू मामूली ब्राह्मण में भी सिर भेट ना पाऊं किसके मिलने का किस्सा मैं खोल कत मैं सुनाऊं सू गणेत लायो कंगन मत भेद बूझ ना रचाऊं सू सारी खोल सुना देने सब छोड़ दिए रगड़ बड़ झाड़ा अरे रविदास से भेंट हुई शिव गंगा नावन ने डाला नाम संत कर सुन राखा पर गोन्या से देखा भाड़ा अरे कोड़ी पास गई मन ने एक चमत्कार सा करी डाला के कंगन बनगी मैं नहीं भकाए मैं आऊं पूरी बात सुना राजन मैं कौन तुम्हें भकाऊं सू कड़े तलाया यो कंगन मत यो है रबूझ ना चाहूं सू गंगे माने दिया मने राजन साथ बताऊं सू कौड़ी दे तेरा टैम कही के कौड़ी दे तेरा टैम कही के यो भी खोल बताइए रतू अरे बोले बस कौड़िया ने गंगे की भेंट चढ़ाइए तू फिर के आगे हुआ ब्राह्मण साफ साफ समझिए रतू हाथ बढ़ा गंगे ने ले ली झूठ मान बंद जाइए अरे गंगा ने चमत्कार करा गंगा जी ने चमत्कार करा मैं भी रस्सी से झुकाऊं सू गंगन गंगे मान दिया मैं कसम राम जी खाऊं सू नाम तो सुन रखा रविदास तेरे ही बूझेंगे इस घटना के बारे में तम पे सलचल का पूछ लिया फिर कुल ना खोज हमारे में अगर झूठ लिकड़ी ब्राह्मण कोहड़े लगवाऊं थारे में गुरुदेव चित्त पूछ लियो समझा दे बाकी सारे में और कविताई हरे राम वैसले कविताई हरे राम वैसले घने प्रेम तम गाऊं सू कृष्णदेव बजरंग बली ने दिल से रोज मनाऊं सू कणे तलायो कंगन मैं तो यह बूझना चाहूं सू लेकिन कभी संत रविदास से राजा की भेंट नहीं हो पाई थी और आज तो क्योंकि अचरज की बात थी रविदास की भक्ति इतनी ऊपर पहुंच गई कि मां गंगे प्रकट हो गई और सोने जवाहरात का जड़ा हा कंगन बिना रविदास के
एक मामूली ब्राह्मण को दे दिया। अब तो राजा अपने राजदरबारियों को लेकर के नगर निवासियों को लेकर के एक भारी भीड़ के साथ संत रविदास के धोरे पहुंच गए हैं। आइए यहां का सारा हाल सुनते हैं। और रविदास के दोरे सजना जुड़ गई भीड़ अपार रे, सब देख रहे थे साधु का चमत्कार। हे साधु का चमत्कार रे, साधु का चमत्कार रे, सब देख रहे थे साधु का रे चमत्कार। सारे लिए वजीर साथ में मन में लगा उमाया था, फिर श्रद्धा के साथ गुरु चरणों में शीश झुकाया था। सिद्ध महात्मा के दर्शन सब करने लगे नर नार रे, सब देख रहे थे साधु का चमत्कार। जुड़गी भीड़ अपार रे, हाँ जुड़गी भीड़ अपार रे, सब देख रहे थे साधु का चमत्कार। दूजा कंगन दे दो, इच्छा जगी हमारे में। ब्राह्मण ने बतलाया ऐसी से सामर्थ्य तुम्हारे में। करामात देखन ने मारा सब दरबार रे, सब देख रहे थे साधु का चमत्कार। रविदास जी न्यू बोले अमृत बरसे पानी में, बेसक कंगन बाहर काढ़ लो हाथ गिर के पानी में। गंदा पानी देख भूप कुछ पल रह गया परेशानी में। हाथ गिर के जिम देखा ते कंगन बेसुमार रे, सब देख साधु का चमत्कार। आज जकर लोग करते एक संत का ढंगार, एक कहावत बनी तभी से मन हो अपना चंगा रे। मन चंगा हो तभी खटोसी में रहती हो गंगा रे।
सदन कसाई है। सदन कसाई है? जी हाँ। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। कहो। गुरुजी थारे इस सत्संग में आनंद छा गया से अंग अंग में ज्ञान काम। अच्छा? जो प्रकाश रे ओ दुष्कर्मा का हो जाता सत्संग पे नाश रे सत्संग पे नाश रे। गुरु जी थारे ये सत्संग मेरे आनंद छा गया से अंग अंग में ज्ञान काम जो प्रकाश रे ओ और बुरे कर्म का हो जाता सत्संग पे नाश रे सत्संग पे नाश रे। मार्ग मन ठीक मांगता गुरु ज्ञान की भीख
बहुत कुछ हमारे पास रे। दुष्कर्मा का हो जाता सत्संग ते नाश रे, सत्संग ते नाश रे। गुरुजी हारे इस सत्संग मेरे आनंद छा गया से अंग अंग में ज्ञान का यो प्रकाश रे। सत्संग ते नाश रे, सत्संग ते नाश रे। सदन कसाई मेरे मन में भरी बुराई करता यूं अरदास रे। और गलत कर्म का हो जाता सत्संग से नाश रे, सत्संग ते नाश रे। उसे अपना शिष्य मानकर
हाथ रख दिया और ये कहा लिया संत रविदास से, ये वचन भरवा लिए कि आज के बाद जो मेरे यहां धंधा होता है, पशुओं की हत्या करना, गाय बछड़े काटना, आज के बाद गुरुदेव ऐसा ना कोई देखेगा और ना ही तुम अपने कानों से सुनोगे। मुझे तुम्हारे सत्संग में मजा आया है, दुनिया में है तो सच्चाई का मार्ग ये मैं समझ गया हूं, इसलिए मैं आपका शिष्य बन गया हूं और आए दिन आपके सत्संग में आया करूंगा। ये कहकर के सदन कसाई अपने घर पहुंच गए। कई रोज के बाद सोचा संत रविदास से, देखे तो सही अपने शिष्य सदन कसाई को। सजनों अब क्या था, अब तो संत रविदास सदन कसाई के दरवाजे पर जाकर के कानों की टक टक लगाने लगे। सदन कसाई गाय के बछड़े को काट रहे थे और अब गौ माता का नंबर था। इतने ही में आवाज देने लगे, किस तरह से भला, सदन कसाई गेट खोल में मिलन ने आया और दरवाजे पे कौन खड़ा मैं समझ ना पाया। सदन कसाई गेट खोल में मिलन ने आया, दरवाजे पे कौन खड़ा मैं समझ ना पाया। गुरुदेव तेरे द्वार मेरे दयालिए करतार, मेरे दयालिए करतार, और तुम्हार आधे गेट खोल तू, बाहर आधे गेट खोल तू, टेम लगाया दरवाजे पे कौन खड़ा मैं समझ ना पाया। जी मैं आई आज मेरी हो फिर सफल कमाई, आज मेरी हो फिर सफल कमाई, के दई बुराई छोड़ दोष ते मुक्त हुई काया। दरवाजे पे कौन खड़ा मैं समझ ना पाया। सदन कसाई वही संत रविदास तेरे दरवाजे पर तुझे आवाज दे रहे हैं, ईशान नहीं पाया। मैं वही हूं ना, बिल्कुल आप वही हो गुरुदेव। पहला घर कर हाल सुना दे गुरुजी, बिल्कुल दे तेरा दे आ मने बता के मांस मीट का पैसा ठुकराया। दरवाजे पे कौन खड़ा मैं समझ ना पाया। सदन कसाई कहिए गुरुदेव, क्या परम पिता परमात्मा का भजन करता है? बिल्कुल, ये तो मेरा नियम है, वो शाम और सुबह भगवान का भजन करता हूं मैं। तेरता के तू इबहर का नाम, तेरता में माला सुख शाम, आ रवतता में माला
समझाता हरे राम वैशला झूठी मोहमाया दरवाजे पे कौन खड़ा मैं समझ ना पाया। प्रेमी सज्जनों, इसी तरह से संत रविदास के कितने ही चहेते बन गए। एक मीराबाई ने रविदास का नाम शुरू कर दिया लेना और भजन पूजा पाठ में लीन हो गई। लेकिन मीराबाई को अच्छे घराने की थी, पड़ोसी पड़ोसियों के ताने मारने पर मीराबाई के माँ बाप ने उसे बहुत रोका। लेकिन संत रविदास की महिमा को देख करके संत रविदास का नाम मीराबाई के दिमाग से निकला नहीं। प्रेमी सज्जनों, इस तरह से अनेकों शिष्य अनेकों भक्त संत रविदास के हो गए। चमत्कार तो और बाकी बहुत है कारना में, लेकिन समय पूरा हो गया है। सोनता केसेट के माध्यम से आप संत रविदास की जीवन गाथा सुन रहे थे। यहीं पर सज्जनों प्रोग्राम का समापन किया जा रहा है। श्रोताओं, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।